हेलो दोस्तों, पॉलिटेक्निक एजुकेशन चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप सभी को मालूम है, पॉलिटेक्निक कॉलेज के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम चल रही है। तो आज सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की एग्ज़ाम होने जा रही है, तो सभी जितने भी विद्यार्थी हैं उनके लिए मेरी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। और दोस्तों आप लोग कमेंट बॉक्स में जो भी कमेंट करते हैं जैसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का, तो दोस्तों मैं मुझे टाइम मिलता है तो मैं बनाने का पूरा प्रयास करता हूँ। और मैंने कल एक पेपर बनाया भी था आप लोगों के लिए, तो जो 10 तारीख को होगा उसका वो पेपर। तो आप जितने भी विद्यार्थी हैं, आपको पास होने का बिल्कुल आसान तरीका मैंने बताया है कि आप लोग डायग्राम बनाना सीख लें। जो डायग्राम अच्छे बनाते हैं उनको अच्छे नंबर भी मिल जाते हैं। तो यहाँ पर आप लोग डायग्राम, फार्मूले, टेबल, लाइन डायग्राम, ग्राफ के द्वारा, ये जो चीज़ें हैं जो हम एक ही एट ए ग्लांस हम एक बार में देख के हम पहचान सकते हैं ये सही है कि गलत, तो ऐसी चीज़ आप लोग बनाएं ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर मिल सकें। दोस्तों एक और खबर आ रही है RGPP यूनिवर्सिटी से, वो खबर क्या है वो मैं आपके बीच में शेयर करूँगा। तो चलिए दोस्तों अब वो हम खबर देख लेते हैं। और दोस्तों बहुत से विद्यार्थी इलेक्ट्रिकल केमिकल वाले भी कहते हैं इम्पोर्टेंट, तो दोस्तों हर सब्जेक्ट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनाना बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है, क्योंकि दोस्तों मुझे टाइम भी नहीं मिल पाता है। अगर जितना जैसे मैं मैकेनिकल का प्रोफेसर हूँ मैकेनिकल ब्रांच से, तो मैकेनिकल ब्रांच के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा दे सकता हूँ। फिर भी मैंने पिछली बार इलेक्ट्रिकल और सिविल के भी दिए थे, इस बार चुनाव के कारण मैं नहीं बना पाया, लेकिन अगली बार ज़रूर बनाऊंगा और आगे टाइम मिलेगा तब मैं आपके लिए ज़रूर बनाकर अपलोड करूंगा। अब चलिए दोस्तों RGPP से संबंधित क्या खबर आ रही है वो आप लोगों के बीच में मैं शेयर करता हूं। तो दोस्तों यहां पे देखें, दिग्गी ने, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर है, दिग्विजय सिंह ने RS राज्यसभा में उठाया 158 करोड़ रुपये का RGPP घोटाले का मुद्दा। ये 5 जुलाई 2024 की न्यूज़ है। तो दोस्तों ये जो घोटाला हुआ है बहुत ख़तरनाक हुआ है, तो ये इन्होंने राज्यसभा में उठाया है। वो कांग्रेस पदाधिकारी दिग्विजय सिंह ने राज्यसभा में RGPP के 158 करोड़ रुपए घोटाले का मुद्दा उठाया है। आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय के अधिकारियों ने धनराशि को अपने निजी खातों में स्थानांतरित कर लिया। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए सर ने कहा, इस विश्वविद्यालय की शुरुआत मैंने छात्रों की बेहतरीन तकनीकी शिक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से की थी, लेकिन अब यह विश्वविद्यालय भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया। BJP और RSS ने अपने लोगों को विश्वविद्यालय कॉलेज में कई अन्य जगहों पर नियुक्त किया है जो विभिन्न प्रकार के भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। तो दोस्तों ये जो खबर है 158 करोड़ रुपये का अभी तक सुलझा नहीं, इसमें वित्त नियंत्रक ऋषिकेश वर्मा और अन्य अधिकारी की संलिप्तता पहचान की गई थी। तो ये लंबा मामला चलेगा। 2024 में कुलपति को गिरफ्तार किया गया था, रजिस्ट्रार को, राजपूत जी हैं, वित्त नियंत्रक वर्मा समेत कई लोगों के खिलाफ ये मामला चला। 100 करोड़ निजी बैंक में, 58 करोड़ रुपए दूसरे बैंक में जमा किए थे। तो ये एक खबर है। तो दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, और वीडियो देखने के लिए थैंक यू।